हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी बज रहे हैं 7:45 और मेरे यूनिवर्सिटी जाने का वक्त हो गया। जिन लोगों को नहीं पता, मैं एनआईटी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और आज हम आप लोगों को भी साथ लेकर चलेंगे। और जैसे ही आप गेट से एंटर होते हैं तो आपके कुछ गार्ड्स नजर आते हैं जो कि आपका आईडी कार्ड वगैरह चेक करते हैं और आपको जाने देते हैं। लेकिन आगे बढ़ते ही जैसे ही आप बैरियर्स के पास पहुंचते हैं और अपने मंजिल की तरफ देखते हैं तो आपके मुंह से निकलता है, एक तवील रास्ता तय करने के बाद मैं अपनी मंजिल पर पहुंचता हूं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट जो बना हुआ है टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के बराबर में। कहानी मेरी बचपना जवानी मेरी, जिस डूबते को बचाया वही भरे कश्ती में पानी मेरी अब याद आ। तो अभी हमारी लगातार 5-6 क्लासें थी और ये सारी क्लासें लेकर अब हम जा रहे हैं पेट पूजा करने जा रहे हैं। अब एनआईटी के अंदर लोग दो जगह जाते हैं, एक है पीजी, दूसरा खाना पीना करने। अब पहले पीजी की बात कर लें तो पीजी स्टैंड फॉर प्रेम गली। पीजी के अंदर ज्यादातर आपको निब्बा निब्बी नजर आएंगे जो कि फैमिली प्लानिंग कर रहे होंगे अपनी। तम्मू जी, आप मेरे उस लल्ले की मां बनेगी। तो अगर बात करें हम जैसे लोगों की तो हम सबसे पहले पेट पूजा करने जाते हैं। और एनआईटी के अंदर 3 मेन कैंटीन्स हैं। फर्स्ट वन इज एनवायरो। एनवायरमेंटल कैंटीन काफी बड़ी बनी हुई है और इधर काफी तरह खाने पीने का सामान मिलता है। इधर आपको दाल रोटी से लेकर बर्गर शर्गर भी मिल जाता है। हाँ, टेस्ट इतना कोई खास नहीं होता लेकिन काम चला हुआ है। फिर उसके बाद आती है मैकेनिकल कैंटीन, जिसका खाना पीना बेहतर है लेकिन सिटिंग एरिया कोई खास नहीं बना हुआ। स्पेशली गर्मियों में तो यहाँ पे कोई भी आने का सोचता नहीं है। और फिर आती है हमारी DMS। इसकी मिसाल कुछ ऐसी है कि ऊंचे नाम और फीके पकवान। यहाँ का खाना सबसे फीका होता है और सबसे बकवास होता है और अंदर का माहौल ऐसा होता है जैसे कि वलीमा चल रहा हो किसी का। DMS के बाहर एक बड़ा सारा चेस बोर्ड रखा हुआ है जिसके ऊपर लोग अपनी चालबाजियां दिखा रहे होते हैं। आई डोंट नो, पूरी यूनिवर्सिटी में वो चालबाजियां दिखा रहे होते हैं। और ये सब खाना पीना करने के बाद हम जाते हैं नमाज पढ़ने। और NAD की मस्जिद अंदर बाहर दोनों जगहों से बहुत खूबसूरत बनी हुई है, बिल्कुल तुर्किश स्टाइल में। नमाज के बाद स्टूडेंट्स को यहाँ पे कुरान का दर्स दिया जाता है और अभी जो देख रहे हैं ये फैजान भाई हमारे खड़े हुए हैं। हेलो कर दें, ये हमारी क्लास के CR हैं, नाम वर्ष किया। तो अब बात करते हैं मैकेनिकल कॉरिडोर के बारे में। अब ये कॉरिडोर बहुत लंबा है और आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी गवार में आ गए। यहाँ पे काफ़ी रौनक रहती है और यहाँ पे आर्ट वर्क भी काफ़ी किया हुआ है और यहाँ की एस्थेटिक फीलिंग बहुत लेवल की है। फिर इसी कॉरिडोर के बराबर में है मेन ऑडिटोरियम जिसके आगे लिखा हुआ है आई लव NAD। यहाँ पे एडमिशन के वक्त आपने भी जरूर तस्वीरें खिंचवाई होंगी।
एनएडी के एक कोने के अंदर है जिमनेजियम भी बना हुआ है, जिसके फुटबॉल कोर्ट में आप टेनिस और टेबल टेनिस भी खेल सकते हैं। और उसी के बराबर में एक क्रिकेट ग्राउंड है जो कि हमेशा खाली रहता है, क्योंकि एनएडी के बच्चों के अलावा बाकी सारी टीम्स वहाँ पर खेल सकती हैं। वहीं पर ही बास्केटबॉल कोर्ट भी बना हुआ है, जहाँ पे बास्केटबॉल खेलने के बजाय क्रिकेट खेल रहे होते हैं बच्चे, क्योंकि एनएडी के बच्चों के अलावा बाकी सारी टीम्स वहाँ पर खेल सकती हैं। फिर उसी के बराबर में एक टेनिस कोर्ट बना हुआ है, जहाँ पे बच्चे टेनिस नहीं खेल रहे होते बल्कि क्रिकेट खेल रहे होते हैं, क्योंकि एनएडी के बच्चों के अलावा बाकी सारी टीम्स वहाँ पर खेल सकती हैं। और इसी के बराबर में हमारे पास बना हुआ है जिम, यहाँ पर हम थोड़ी जान बनाने जाते हैं। लेकिन अगर आप इस जिम के अंदर टॉवल नहीं लेकर आएंगे तो आपका हाल कुछ ऐसा होगा। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी, पहली टिकट निकाल और भाग उधर। और सबसे आखिर में आता है हमारे पास फुटबॉल ग्राउंड, जिसके अंदर सेंटेक ने आज स्क्विड गेम रखवाया हुआ था। सो राइट नाउ हम लोग जा रहे हैं स्क्विड गेम खेलने, जो कि हमारे फुटबॉल ग्राउंड में हो रहा है। और ये भी हमारे साथ प्लेयर है। प्लेयर अपने कार्ड दिखाओ। तो अभी आप लोगों को हम फुटबॉल ग्राउंड भी दिखाएंगे और गेम भी दिखा देंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देखिए बेहतरीन स्क्विड गेम चल रहा है। कोई नजर ही नहीं आ रहा। बड़ी मेहनत के बाद हमारा नंबर खुल चुका है, हम 12 नंबर के बंदे लगा दम बेटा। यहाँ नहीं लगाना था, ऐसे लगा दम। बाल भी आ गए इसके। जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी अजियत का काम है इसको निकालना। ये बॉयज आ गए हमारे, सेकंड बॉय। ओ तुम तो लड़की हो। और ये हुरिया हमारी खड़ी हुई है रेड लाइट वाली गुड़िया बनके। देखो इन्हें, ये है ये हमारी स्कोरिंग हो चुकी है। लड़की एक तो हमें ये दिया गया है काटने को और हमने इस टूथपिक से काटा इसे। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदे पत्तों की गोद में। मुबारक हो, मेरा भी ट्रायंगल था यार। और हनान के पास आया था हमारा सर्किल। मैं हनान का सर्किट। I got 2 points. Oh my god. Oh my god. तो ये इन लोगों ने नोट दिए हमें, इन नोट को बोलना है और वहाँ पे सीढ़ी खड़ा हुआ है। बलून्स फोड़ेंगे हम लोग और फिर बलून्स में से हमें स्क्विड गेम की शेप निकालनी है बस। गुस्सा हो गया तो ये। नेक्स्ट गेम हमारा टग ऑफ वार है और हमारे प्लेयर देख लें कैसे हैं। ये हमारा सबसे बेहतरीन प्लेयर है। इनके सबसे आगे एक बैठा था थोड़ा ना, वो आगे खड़ा था भाई, सबसे पीछे लगी मोदी भाई। और तीन लड़कियां आ गई मोदी भाई, सीरीज को जैसे आगे तो पैसे आ जाएगा। सब खींचे टांगे फिर भी शादे ना, और समझे के हम तो घबरा गए। पीछे हट हट हट।
और आखिरी गेम में खिलवाया गया था किंग्स का। अनफॉर्चुनेटली हमें गेम आधा छोड़कर आना पड़ा क्योंकि हमारा क्विज था। कहाँ जा रहे? क्लास भाई, क्विज है। तो ये थी आज की वीडियो, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।